भोपाल से कानपुर तक करीब 12,000 करोड़ की लागत से हम 440 किलोमीटर सिक्स लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। ये कॉरिडोर भोपाल से विदिशा, सागर, महोबा जिले के कबरई होकर कानपुर तक जाएगा। अभी भोपाल से कानपुर आने के लिए 15 घंटे लगते हैं। ये कॉरिडोर बनने से केवल 7 घंटे में हम पहुंच सकेंगे, जिसका बहुत बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को होगा। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड, सागर। सैकड़ों लोगों की जान लील चुके NH-44 के ब्लैक स्पॉट जल्द ही खत्म हो जाएंगे। मंगलवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में NH-44 के ललितपुर सागर लखनादौन खंड के 26 ब्लैक स्पॉट पर अंडरपास बनाने के कामों को हरी झंडी दे दी है। इन 26 ब्लैक स्पॉट में सागर जिले में 14 तिराहा है, जबकि एक सर्विस रोड चिन्हित है। इस तरह से ये कुल 15 स्पॉट एक्सीडेंटल जोन से बाहर हो जाएंगे। जिन 15 स्थानों को अंडरपास व सर्विस रोड बनेंगे, उनमें बरूदिया चौराहा, झिंकनी तिराहा, मोठी तिराहा, बाचलोन तिराहा, बमहौरी विश्वविद्यालय तिराहा, समनापुर तिराहा, सुर्खी गांव का प्रवेश द्वार, सुर्खी ग्राम के प्रवेश द्वार का दूसरा छोर, गौर झामर केसली तिराहा, गौर झामर के आखिरी में बाईपास, देवरी का बाईपास, देवरी दमोह तिराहा, देवरी के दूसरे छोर पर स्थित बाईपास, महाराजपुर तिराहा और गढ़पहरा मसवासी ग्रंट की सर्विस रोड शामिल है। अंडरपास और सर्विस रोड बनाने पर NHAI करीब 650 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अब हाईवे क्रॉस करने के बजाय वाहन नीचे से निकलेंगे, इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत साहू ने बताया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना होती थी। प्राधिकरण जबलपुर के अधीन 350 किलोमीटर का मार्ग है, जिसमें 26 ऐसे स्थान चिन्हित हुए हैं जहां पर सड़क हादसे अधिक हो रहे थे। ऐसे स्थानों पर व्हीकल अंडर पास बनाया जा रहा है। इसके जरिए राजमार्ग से लगे गाँव या आबादी को राजमार्ग के बजाय नीचे से ही वाहन लेकर निकलने की सुविधा होगी। इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। इस नई व्यवस्था से NH का ट्रैफिक भी बेहतर होगा, ईंधन व समय की बचत होगी। प्रदेश के 51 जिलों में ब्लैक स्पॉट की संख्या 665 से घटकर 395 रह गई है। ये सड़क के दुर्घटना संभावित स्थानों पर तकनीकी सुधार की वजह से हुआ है, लेकिन सागर में ये संख्या 24 से बढ़कर 26 हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सागर को प्रदेश में सर्वाधिक ब्लैक स्पॉट वाला जिला चिन्हित किया है। भोपाल से कानपुर तक करीब 12,000 करोड़ की लागत से हम 440 किलोमीटर सिक्स लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। ये कॉरिडोर भोपाल से विदिशा, सागर, महोबा जिले के कबरई होकर कानपुर तक जाएगा। अभी भोपाल से कानपुर आने के लिए 15 घंटे लगते हैं। ये कॉरिडोर बनने से केवल 7 घंटे में हम पहुंच सकेंगे, जिसका बहुत बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को होगा। ये कॉरिडोर बनने से भोपाल से कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी तक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सागर इसके साथ साथ भोपाल से सागर तक करीब 4,000 करोड़ की लागत से हम 170 किलोमीटर फोर लेन मार्गों में 3 पैकेज का काम जुलाई 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। पहला पैकेज भोपाल से मोरीकुड़ी तक 800 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर, दूसरा मोरीकुड़ी से विदिशा तक, तीसरा विदिशा से बेरखेड़ी तक, और मेरा विश्वास है कि ये 4,000 करोड़ का हाईवे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में उपयोगी होगा। सागर से कानपुर तक ये कॉरिडोर हम बना रहे, जो सागर से महोबा जिले से कवरई होकर कानपुर तक करीब 8,000 करोड़ की लागत से 242 किलोमीटर चार लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सागर से मोहारी, सागर जिले के मोहारी से सतेघाट, छतरपुर जिले से सतेघाट से चौका तक, चौका गांव से महोबा तक 4 पैकेजेस है, और मेरा विश्वास है कि ये भी 8,000 करोड़ का हाईवे मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। मध्य प्रदेश में जो हाईवे निर्माण होंगे, उसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इंडस्ट्री आएगी और रोजगार निर्माण होगा। सागर में ग्रीनफील्ड लिंक रोड का भी हम निर्माण कर रहे हैं। बेरखेड़ी NH-146 से गड़ेपेरा NH-934 550 करोड़ की लागत से ये लिंक रोड का काम भी 2024 तक पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि ये लिंक रोड बनने से भोपाल से कानपुर तक 21 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी।
जो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य बनाना ये मध्य प्रदेश की सरकार का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशव गंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699 9109200503।